जिस तरह से सिंघम अगेन चल रहा है, मेरे हिसाब से 300 करोड़ नेट रीच करना इस मूवी के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि इस मूवी का बजट है 300 करोड़। तो मिनिमम हिट होने के लिए तो बजट तक तो रीच करना ही चाहिए। जैसे भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़, तो इस मूवी का बजट है 300 करोड़। लेकिन जिस तरह से चल रहा है, इस मूवी का 300 करोड़ तक रीच करना काफी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है मुझे, क्योंकि कल था डे 5 और डे 5 के दिन ये मूवी से कलेक्शन किया है 14 करोड़ इंडिया से नेट। ये मूवी ना संडे से लगातार गिर रहा है। संडे में इस मूवी का कलेक्शन था 35 करोड़ 75 लाख, उसके बाद मंडे को आएगा 18 करोड़ में कल आ गया 14 करोड़, और उसके साथ साथ इंडिया से नेट कलेक्शन आफ्टर 6 डे हो चुका है 153 करोड़ 75 लाख। और कल का ये 14 करोड़ को आप ग्रॉस करते तो होता है 16.75 करोड़ ग्रॉस डे नंबर 6 पे, डे नंबर 5 पे, और ओवरसीज से आया 5.50 करोड़, यानी कल का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुआ है आपका 22 करोड़ 25 लाख। या इस 22 करोड़ 25 लाख के साथ साथ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है आफ्टर 5 डेज सिंघम अगेन का 232 करोड़ 25 लाख। इस 232 करोड़ 25 लाख में से ओवरसीज से आया 48 करोड़ और इंडिया से आया 184 करोड़ 25 लाख। तो इस मूवी को हिट होने के लिए मिनिमम 250 तो जाना ही चाहिए, लेकिन इस मूवी के लिए काफी मुशक्कत करने पड़ेगी, क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा है, आधा बॉलीवुड तो इधर ही है। तो कल इस मूवी का ऑक्युपेंसी था 26.79%, मॉर्निंग शो में 13.52%, आफ्टरनून शो में 26.29%, इवनिंग शो में 28.87% और नाइट शो में 38.49%। और कल ये मूवी गिरा था 22%, जो ठीक ठाक कहा जा सकता है, मतलब मंडे के हिसाब से 22.22% गिरा था कल। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी, देखिए कल तो 14 करोड़ कलेक्शन किया है, तो आज मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस मूवी का कलेक्शन रहेगा 11 से 12 करोड़ के बीच। तो ये 11 से 12 करोड़ हो जाने पर हो जाएगा अराउंड आपका 170 करोड़। तो फर्स्ट वीक में इस मूवी का मेरा प्रेडिक्शन है 180 करोड़ के आसपास ये मूवी करेगी फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद तो और भी कम हो जाना है, तो 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होने वाला है। यानी ये मूवी इंडिया से नेट 250 to 300 के बीच कलेक्शन करेगी, ये बजट रीच करना काफी मुश्किल है। तो देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।